हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है कैन वी शेयर, वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे शेयर का मतलब होता है कि कोई भी थिंग्स को हम सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, वो हमें ये चैप्टर में सीखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें अंडरस्टैंड यानी कि हमें एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे कुछ हमें पिक्चर्स दिए गए हैं एप्पल के, और साइड में जो है उसके सम्स दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से सीख सकें और एक्सप्लेनेशन हमारा हो सके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें देखिए क्या किया गया है। ये जो फर्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे पहले कितने एप्पल हैं वो हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे लिखा है देर आर 12 एप्पल्स। तो फिर है दूसरे पेज में, दूसरे कॉलम में है मेकिंग इक्वल ग्रुप ऑफ 6, 6। ओके, तो पहले है यहाँ पे क्या लिखा है 12। ओके, यहाँ पे पहले लिखा है 12 और यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। शेयर का मतलब है डिवाइड, और कौन से कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, एक ग्रुप में कितने हैं 6, तो इसके टोटल कितने ग्रुप बने 2। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय 6। एक ग्रुप में कितने हैं 6, तो अभी हमें 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहे हैं 2, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप बने हैं। फिर है थर्ड कॉलम में है मेकिंग इक्वल ग्रुप ऑफ 4, 4। तो सबसे पहले जितने टोटल एप्पल है वो हमें लिख लेने हैं, और एक ग्रुप में कितने हैं 4, और 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहे हैं, 4, 3 ज़ा 12। फिर है थर्ड वन नेक्स्ट में है टोटल जो है वो 12 ही लिखना है हमें, और ग्रुप कितने के हैं 3 के, तो 3 के टेबल में 4 कहाँ पे आ रहे, 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहे हैं, तो 3, 4 ज़ा 12। तो 3, 3 के कितने ग्रुप बने 4। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे फिर से डिवाइड करना है, और अभी एप्पल के ग्रुप कितने कितने एक एक ग्रुप पे कितने हैं 2, तो फिर अभी हमें 2 का टेबल बोलना है। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आते हैं, तो 2 के टेबल में 2, 6 ज़ा 12 आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एप्पल के जो एग्जांपल है वो अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे है जो पीछे का क्वेश्चन नंबर 1 है डू एज डायरेक्टेड, वो कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट वन जो है वो हमें एग्जाम्पल दिया गया है मेक इक्वल ग्रुप ऑफ 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल थिंग्स कितनी है वो हमें पहले काउंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमें दिया ही गया है कि ये 12 हैं, और यहाँ पे लिखा है ग्रुप्स ऑफ 3, तो 12 डिवाइडेड बाय हम कितने करेंगे 3, तो 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आते हैं, 3, 4 ज़ा 12। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि पहले हम ये कैंडल जो है कैंडल काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है 18, और यहाँ पे लिखा है 6, 6 के ग्रुप बनाने हैं, तो चलिए हम ग्रुप बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो इसी तरह से हम दूसरा ग्रुप बनाएंगे, आपको अच्छे से पेंसिल से करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये जो है लास्ट वन वो भी 6 का, तो भी 18 डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे, तो 6 के टेबल में 18 कहाँ पे आते हैं, तो 6 के टेबल में 18 6, 3 ज़ा आते हैं। तो इसका आंसर आएगा 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे पहले फ्लावर काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो फर्स्ट स्टेप आएगा हमें यहाँ पे 20 लिखना है, फिर सेकंड स्टेप आएगा कितनों के ग्रुप बनाने हैं 5 के, तो चलिए हम 5 के ग्रुप बनाते हैं। तो कितने ग्रुप, 5, 5 के ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आते हैं,
5 4 20। ओके, तो ये था हमारा थर्ड वन। फिर अभी हम आगे करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे लीफ का पिक्चर दिया गया है, तो हम लीफ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 16 लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितनों के ग्रुप बनाने हैं, 2 के। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आएंगे, 2 8 जा। फिर हमें इस तरह से उसके ऊपर दो दो के ग्रुप बना के सर्कल करने हैं। ओके, तो इसका आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। फिर हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे है क्यूब, तो क्यूब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय कितनों के ग्रुप बनाने हैं, 3 के। तो 3 5 15, यहाँ पे हम 3 3 के ग्रुप बना देंगे। आप अपने हिसाब से ग्रुप बना देना फिर। ओके, और वो भी अच्छे से सर्कल करके। फिर नेक्स्ट है की, मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 7। तो पहले हम की काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय ग्रुप कितनों के हैं, 7 के। तो हम 7 की पे वो सर्कल कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी हिसाब से हम दूसरी 7 को भी सर्कल कर देंगे। तो 7 के टेबल में 14 कहाँ पे आते हैं, 7 2 14। ओके, फिर अभी हम करेंगे नेक्स्ट जिसमें है बॉल, जो आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले है हम बॉल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो 9 के टेबल में 18 कहाँ पे आते हैं, 9 2 18। फिर लास्ट वन है स्टार्स, तो पहले हम स्टार्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लिखेंगे 16 और ग्रुप कितनों के बनाने हैं, 4 4 के, 4 4 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फिर आपको यहाँ पे अपने हिसाब से ग्रुप बना देने हैं। अभी हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी सेम है डूअर्स डायरेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 16 स्टार्स इन 2 क्लाउड्स, हाउ मैनी स्टार्स आर देर इन ईच क्लाउड। तो हमें सबसे पहले 16 और 2, यहाँ पे देखिए तो 2 डिजिट दी गई हैं, 16 और 2। तो इस तरह से हमें पहले डिवाइड करना है 16 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आएंगे, 2 8 जा। तो आपको एक क्लाउड में 8 स्टार बना देने हैं। ओके, जितना आंसर आए उतने सेम स्टार दोनों में आपको बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वन, ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 21 पल्स इन 3 स्ट्रिंग्स, 21 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 7 जा 21। तो आपको यहाँ पे पल्स यानी कि मोती ड्रॉ करने हैं, और एक में कितने आने चाहिए, 7। ओके, तो इसी सब से आपको मोती ड्रॉ करने हैं। फिर ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 36 लड्डू इन 4 प्लेट, तो 36 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 9 जा 36। तो एक प्लेट में 9 लड्डू आएंगे, 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 or 9। ओके, फिर लास्ट वन, ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 40 चॉकलेट्स इन 5 बॉक्सेस,
40 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के टेबल में 40 कहाँ पे आएंगी, 5 8 जा, तो यहाँ पे आपको चॉकलेट्स जो है वो एक एक बॉक्स में 8 चॉकलेट्स आपको ड्रॉ करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर है लास्ट वन। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग दी गई है, यानी कि यहाँ पे एक से फिर से एक एग्जांपल है जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द 8 बीट्स बिलो आर अरेंज इन 2 वेज। ओके, अलग अलग तरीके से हमें 8 जो है वो डिवाइड करने हैं। तो एक डिवाइड किस तरह से है, 2 + 2 + 2 + 4 = 8, और दूसरा तरीका कौन सा है, 4 + 4 = 8। तो इसी हिसाब से ये बाकी के जो है वो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो आप अच्छे से रीड करेंगे। फिर यहाँ पे है प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 3 × 4 = 12, सो 12 / 3 = 4। फिर यहाँ पे 10 / 2 है तो 2 × 5 = 10, 30 / 6 है तो 6 × 5 = 30, फिर 28 / 7 है तो 7 × 4 = 28, फिर 48 / 8 8 × 6 = 18। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट की है हमने, 12 / 4 तो 4 × 3 = 12, 10 / 5 5 × 2 = 10, 30 / 5 तो 5 × 6 = 30, 28 / 4 4 × 7 = 28, और 48 / 6 तो 6 × 8 = 48। फिर इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए 3 / 3 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4 5 × 1 = 5 8 × 1 = 8 10 × 1 = 10 12 × 1 = 12। फिर यहाँ पे 4 / 1 तो 1 × 4 = 1 1 × 7 = 7 1 × 9 = 9 1 × 8 = 8 1 × 12 = 12 और 1 × 15 = 15। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस। ये जो है वो पूरी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, एंड ये प्रैक्टिस जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि पेज नंबर 201 and 202 जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, और फिर इसके पिक निकाल कर आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।